त्यागियों की संस्था है, केवल त्यागियों की संस्था है और बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। लेकिन बाबा ने कहा कि दोनों का कंबाइंड हमारा आनंद मार्ग है, यह गृह और सन्यासी। गृह और सन्यासी मैं आप लोगों को परिचय होगा कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के दो पार्ट, एक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, एक पार्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन के हिंदी हम लोग संस्था बोल सकते हैं और स्ट्रक्चर को संरचना बोल सकते हैं। उसके हेड समुच्चय में वो सन्यासी है स्ट्रक्चर में, और ऑर्गेनाइजेशन हेड में हम सारे के लिए। अब बाबा का कहना है कि दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का आपसी संबंध क्या है, यह कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन करता है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग। हमने टॉप सन्यासी से पूछा कि और कुछ बोलिए जो आप नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा एक और संबंध है, वो क्या है कि स्ट्रक्चर में जो सन्यासी है गृह के लिए आदेशात्मक हुआ स्ट्रक्चर में। फिर से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सन्यासी हमको आदेश नहीं कर सकता है, हमारी वह मदद कर सकता है। आदेश अभी वर्तमान में चल रहा है, केवल आदेश चल रहा है, और है क्या कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन, यह हमारा आनंद मार्ग है। वह सहयोग की भावना, प्रेम पूर्ण की भावना, और हमने अगली बार आप लोगों को याद दिलाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है मानव समाज निर्माण के लिए, ये दोनों है, मानव का एक जो मानव समाज है उसके निर्माण के लिए है, और यह मानव समाज किसका, सन्यासियों का। सन्यासियों का समाज बनेगा नहीं, हमारे गृहियों का यह समाज है। और गृहियों के समाज में आप देखते होंगे कि गृह के समाज में नेचुरल वे में जो हमारी साधना हो सकती है, यह शास्त्रों की साधना हमारी है, यही साधना वो भी करते हैं, या कोई अलग की बड़ी साधना करते हैं, वो भी वाला साथ जो हम लोगों को गृहस्थाश्रम में दिया गया है प्रतिनिधि साधना, ये गृहस्थाश्रम की साधना है। गृहों का समाज निर्माण, और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि हमारे गुरु गृही है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में SCB जो है वो ग्लोबल लेवल से ग्राम पंचायत तक, ये केवल गृहियों की संस्था है, दूसरे का यहाँ अवकाश नहीं है कि इसके भीतर में कोई सन्यासी आ जाए, ये गृहियों की संस्था है। भुक्ति प्रधान में जनरल है और SCB में पर्टिकुलर है, और स्पेशल जितने विंग्स हैं आनंद मार्ग के सबका SCB अलग अलग है, और यह सलाहकार है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सलाह देने वाले आदमी है, वो गड़बड़ अगर करता है तो हम सलाह देकर रास्ते पर ले आएंगे। मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता, ये आनंद मार्ग है, ये कोऑर्डिनेटेड, यह कोऑपरेशन हमारे पास में है, वो हमको सलाह दे सकते हैं प्रेम पूर्वक। हाँ, मैं तो कहूंगा गृह लोग तो अब तक उनको बड़े भाई का दर्जा देते आ रहे हैं, 16-18-20 बरस का सन्यासी आता है, 80 बरस का बुरा आदमी उनको दादा कहता है, क्या कम आदर की बात है? समाज में दादा किनको कहा जाता है, जो बड़े हैं हमसे उम्र में, जो बड़े हैं उनको दादा कहते हैं। लेकिन वे लोग आते हैं तो देवता का आदर हम लोग देते ही है, उनको दादा कहकर पुकारते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, क्या इतना भी कहते हैं कि तुम मेरे गुरु भाई हो? आनंद मार्ग इसी जगह सावधान करता है, क्या आनंद मार्ग इज अ मैन मेकिंग मिशन, इट इज नॉट ए चेला मेकिंग मिशन। आनंद मार्ग हमको स्मरण दिलाता है कि आनंद मार्ग मनुष्य का निर्माण करने की संस्था है, चेला बनाने की संस्था यह नहीं है। लेकिन आप अपने मन से, दिल से पुकार करके बोलिए कि क्या यह चेला मेकिंग मिशन लोगों ने नहीं बना दिया है? जो वह यशमन खोजते हैं, यशमन समझते
आप अच्छे मार्गी तभी है जब उनको हर बात में करते हैं आपके साथ। यह एक नहीं और अररिया की लड़ाई 25-30 साल से यही है कि हम इस समय नहीं है, हम आपस में गुरु भाई हैं और पारंपरिक ढंग से हम लोग चलेंगे। साधक के जीवन अंग में मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि मानसिकता जो बनी है वो स्वाभाविक है, हम लोगों ने निर्माण करवा दिया है। हम जो अपने आप को भूल गए हैं, हम अपनी पहचान भी छोड़ चुके हैं कि हम भी, हमारा भी कोई स्थान है, मेरा भी मूल्य है, गृही का सब कुछ करता धरता हम लोग हैं, वे हमारे हेल्पर हैं, इस बात को हमने जो भुला दिया है, इसी के कारण उनकी मानसिकता आगे बढ़ी है। एक बात आप जानते हैं, हम कटिहार के शायद हमारे एक संगीत साथी धर्मदेव भैया है हम लोगों का साथ में, और हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म का डाउनफॉल। बौद्ध धर्म का डाउनफॉल के बारे में पहला जो काउज है, वह पहला काउज क्या था कि न्यूक्लियस बुद्ध हो गया। हम लोग हमेशा आदर्श का प्रचार करते हैं, व्यक्ति का प्रचार कम, यहाँ तक कि बाबा का भी प्रचार हम लोग नहीं करते हैं। ये न्यूक्लियस हमारा आइडियोलॉजी है, आदर्श है, बुद्ध में हो गया न्यूक्लियस, प्राण केंद्र बन गए बुद्ध। दूसरा डाउनफॉल का कारण था उनका सन्यासी और सन्यासिनी के बीच में करप्शन, ये नेचुरल है, साथ साथ जिस ढंग से उनका दफ्ता, ये दूसरा बड़ा डाउनफॉल का कारण है। और इसको यह नहीं आने पावे, इसके लिए गृही को ही सावधान होना पड़ेगा, गृही को यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और तीसरा काउज था कि एजुकेशन जो राय संपोषित था उसको खत्म करवा गए। खैर, जो हमको बहुत सावधान करा दिया गया है बाबा ने हमेशा हमेशा के लिए, 1906 की बात करते हैं, जब मैं आचार्यत्व मैंने जो ग्रहण किया था उस समय कि देखो मेरा प्रचार मत करोगे, आदर्श का प्रचार करोगे। और हाँ, और हम जब जब गए हैं तब आप जानते होंगे कि केवल आदर्श की बात हम सुनाते हैं, लोग सेंटिमेंट में बाबा को लेकर के इकट्ठा कराने की बात नहीं है, वो अगर है अभी है कल परसों चला जाएगा, आदर्श का प्रचार करना है। और अंत में मैं समय इसलिए लेना चाहता हूँ, कार्यक्रम बड़ा जो मकसद है यहाँ का उसमें ये है, साधक हम लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, मेरे भाई हैं, और वे आदरणीय है इसलिए कि वह हो चाहे वर्कर जरूरत उनकी है, लेकिन आप हम सजग रहें ताकि उनका सही उपयोग हम लोग कर सकें। यह दोष हमारा है जब हम अपनी पहचान को भुला करके हम उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहे हैं, इसलिए उनका भी दोष अधिक नहीं देंगे। सजग होइए और जागृत होइए। मैं तो कहूंगा कि जो छोटे भाई भी हैं उनका भी दायित्व है, जब गुरु फंस गया संसार में, माया मच्छिंदर गोरखनाथ आता है गेट पर बजाता है तबला, जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। गृहियों का दायित्व इसी में आज के युग में आ पड़ा है, इन्हीं शब्दों के साथ।